नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माँ की ममता और पिता का स्नेह ही बच्चे के विकास का मुख्य आधार होती हैं, पर यदि छोटी उम्र में ही उनका साया उठ जाए तो बच्चे के पालन पोषण की राह भी मुश्किल हो जाती है। एक मासूम बच्ची जो अभी समाज में अच्छे और बुरे का मतलब भी नहीं समझती, पल भर में ही वो यतीम हो गई। अब वह कभी माँ नहीं पुकार सकेगी। बहरहाल इस कोरोना ने एक बेटी को अनाथ बना दिया। हालांकि जानकारी होने पर दो चिकित्सकों ने कुछ समाज सेवियों से मिलकर उसकी मदद की। लड़की के पिता की मौत 2 वर्ष पहले ही हो चुकी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक कलकत्ता की रहने वाली माया राय अपनी 14 वर्षीय बेटी लकी राय के साथ महाराजगंज में किराए के मकान में रहती थी। कुछ वर्ष पूर्व उनके पति की मौत हो चुकी थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में माया राय कोरोना संक्रमित हो गई। किसी तरह से उनकी बेटी ने अपनी मां को 6 मई को अतरौलिया के 100 शैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। इलाज के दौरान शनिवार की सुबह माया राय की मौत हो गई। इसकी जानकारी कलकत्ता में रह रहे परिजनों को दी गई, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के कारण कोई आगे नहीं आया। यह सब कुछ देख अतरौलिया के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अली हसन और डॉक्टर के झा ने समाज सेवी शिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सैयद एहतशाम हैदर और समाज सेवी ऋषु के साथ मिलकर 14 वर्षीय लड़की लकी राय की मदद की और उसे हिम्मत बधाया। सैयद एहतशाम, विनीत सिंह ऋषु, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद सैफ ने किसी तरह शव को राजघाट पर मंगवाया और बेटी ने अपनी मां को मुखाग्नि दिया। वहीं मानवीय संवेदना की मिसाल बन चुके सैयद एहतशाम हैदर और विनीत सिंह ऋषु और उनके साथियों की लोग सराहना कर रहे हैं।